जय हिंद बच्चों, देखिए क्लास फर्स्ट में हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। देखिए इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा है और उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर हमें खुद से लिखने हैं। देखिए मंदिर क्या लिखा है, मंदिर में अंगूर रखे थे। क्या रखे थे? अंगूर रखे थे। एक लंगूर वहाँ आया, उसने अंगूर खाए। मंदिर के बाहर तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा था, उसके पंख दूध की तरह सफ़ेद थे। उसके पंख दूध की तरह सफ़ेद थे। इसको बेटा अच्छे से जब फिंगर रख के आप पढ़ेंगे तो आपको खुद आंसर इसमें मिलेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मंदिर में अंगूर रखे थे या दूध? मंदिर में अंगूर रखे थे या दूध? अब आप बताइए, अंगूर रखे थे। क्या रखे थे? अंगूर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अंगूर। आप खुद से लिखेंगे। फिर देखिए तालाब में क्या तैर रहा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हंस। देखिए यहाँ पढ़िए, तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा था, यहाँ आप क्या लिख देंगे? हंस। फिर देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं, आप जानते हैं बेटा, तिरंगा। यहाँ पे तिरंगा लिख देंगे। बस छोटा सा लिखना है क्योंकि अभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में भी, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, यहाँ आप क्या लिख देंगे? सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सम्मान भी लिख सकते हैं, आदर भी लिख सकते हैं, सम्मान करना चाहिए। अब आपका देखिए इसको आप लिखेंगे क्लास वर्क में और होमवर्क में, यदि लाल मुचेकड़ वाली कविता आपको याद हो गई होगी तो आठ लाइन लिखेंगे। बस आज की पढ़ाई बेटा इतनी है। जय हिंद बच्चों।